तू कर कर ए ब्रो चुप पूरा मिला नहीं इसमें मैं नहीं सुनता चिल्लाओ मत एक तरह मैं कहूँगा नहीं सुनता रम रम जी सारा नाम हमारे कुर बोलक में आपका फिर तो स्वागत है और अभी सुबह सुबह अंकल लाग रहे हैं ऊपर वो लाइट की फिटिंग करण तो ये चेक करने लगी थी कि स्विच सही लाग रहे हैं ना लाग रहे हैं सही लाग रहे हैं चार चार एक दो तीन ना एक दो तीन लिखिए मतलब दो चौथा कितना एक तो बैटरी बराबर में एक लाइटिंग मतलब का गेट पर दो एक तीन हाँ चार है अरे कड़े लगानी है क्या है तू वो बता ऑटोमेटिक वाली मशीन लग गई दौड़ की ऊपर वो आ कित लग गई उसका और कितने से तुम देख टमाटर ना हरी मिर्च ना आलू कुछ भी हो रहा है पापा फिर मैंने सब्जी ले आओ मैं ले आओ इधर पापा सब्जी लेके आओ इधर पोचा मार दी फिर रोटी रोटी बनानी रह दी फिर आटा लगा दिया और सब्जी श्याम इधर सब्जी श्याम दरी है बस पोचा वो रोटी रोटी बनानी है 10 मिनट पोचा लगा दी 10 मिनट में सारी रोटी बन जाएगी और फिर देखो फिटिंग का सामान लेने जाऊंगा जब मैं चलूंगा गल्ला आजकल इस तरह पहले इस तरह के बोर्ड थे आजकल बढ़िया बढ़िया बोर्ड आ रही है अगर मैंने घर ले गया ना तो बढ़िया बोर्ड लेके आऊँगा अगर ना लेके गया तो फिर आप कह नहीं सकते कुछ भी चल लेंगे तो एक बार स्कूटी चार्ज लगाया फिर चल लेंगे जल्दी करके फिर ऊपर काम जल्दी होगा मैं बिजली वाला सामान लिया फिर प्लम्बर का सामान लेके आऊंगा पूरी पट्टी लिस्ट है वो बाद में फिर तरह लेके चलूंगा वो भी बाद में अरे फिर पहले फिटिंग होगी वह होगी जब तो फिर ना तो फिर मैं ठा जाऊंगा कोई भी तू फिर कहीं टर 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 जा जल्दी वो स्कूटी चार लगा जा जल्दी जा मान्या कर जा जाइए शिकायत लगाई तेरे कमरे तो लकड़ है उठ ले के मैं काम कर ले आ गया ना तब आज समार काम नहीं चाहिए छतर कर दरा हाँ अच्छा सोम कड़ा मतलब बैठा था आप उड़ान दिए थे उधर बैठ जाए ठीक है मैं बैठ जाऊँ क्या तो आप लक्ष्य ठा मेरे बिल्कुल ठा दे ठीक है फिर है ध्यान बन गए आरिश बस वो ले तक क्या ले कोई कतर नहीं है घर में मतलब दी कैसा लगा कमरे से बाहर निकल कर कैसा लगा मैंने पापा अगर रात की भी शिकायत कर दी आप और लाइट गई पर गैस तो ऑन कर ले कम से कम
शांत हो रहा है बढ़िया। हाँ हाँ डांट लग गई सब चिमटा ले लिया एक तेरा एक मेरा पहले बंटवारा कर लिया मैं दो बने गए इसमें देखिए प्यारा चिल्ला बना थी। ये काम तो पहले ही कर ले तो मेरे घर हंसी पड़ ला कर रहा था देख कितना शांत बोलता भी खोलिया बोल है चिप चिप करा ना आओ भी को नहीं सुगला देख कितनी बुरी मैं तेरे देखते तो स्त्री बहु आ रही फिर नुक है देखे मेरे देखिए देखो मारा रंग का फर्क देखो भाई पलटा तो कौन है ऊपर हो तो वो चमटा नहीं है रुक इस गल पलट ली इस गल पलट गया इधर पलटा तो कौन है मेरे तो इसमें दर्द है सच प्लेट में एक नंबर का बना रखा जाट नींबू डाल के तुझ में और ये बज रहे फिलहाल डाई और मैंने चला चला खा लिया इतनी प्यारी बारिश आ रही चारों ओर से बारिश करके फुहार देख ले पानी को भी आ गया और ये पहले तो बिजली का सामान तो मैं ले आया था ये रहा इसमें बॉक्स आ रही है दो पाइप मंगवाए थे क्योंकि चार पाइप और बैंड वगैरह ऊपर बच रहे हैं तो अंकल बोले कि बस ये सामान लिया थोड़ा सा और फिर स्विचेस वगैरह बच जाएंगे जो कि है उतरी की गिट्टी थी चलो प्लम्बर का भी काम आ जाएंगे ये और ये भी लिया हूँ मैं प्लम्बर का सामान और मैं भी लिस्ट पकड़ा रखी है आज क्योंकि दिन में आया था वो तो लिखवा गया जितना जल्दी सामान ले दूंगा उतना जल्दी अपना काम शुरू होगी फारिक हो जाएगा ये पूरा सामान बिजली का इतना ना आया होगा यो पहले इतना बिजली वाले तो डबल ढाई गुना आ गया प्लम्बर वाला परसों डर लो और ये पाइप ले आया हूँ आ रही है सामान लेके आया मगर तो प्लम्बर का 5620 रुपया का आया 5620 जब कहूँगा इतने का वो कौन है बिजली का सामान ना है जितने का ही हो बिजली का सामान पूरा है इतने का खटका समेत और ये अकेला है वो ये बाथरूम लेटरिन का आ गया ये पता लेटरिन बाथरूम लेटरिन की सीट बाकी है और टूटी फाटी बाकी है ना जब लाइट थी तो मैंने लगाई थी लगाया था यो चल जाए ना मन ने कह बेरा नुकसान होगा भारी एक तो प्लम्बर के सामान में रुपया देख के ना भारी नुकसान ऊपर से चार्जर नुकसान है 8000 का पूछ ले हाँ जा लिया तू भी लिया दे ना तू देवेगी फिर रुपया रुक जा यही पूछवा दू पापा आ जा 1500 का आओ है ना घड़ा करा बड़ा इधर का तीन पाइप पे तो गया और किन गया है पाइप पाइप तो होंगे पाइप तो चप्पल पहन छो उठ रहा तू आ चादर बिछाई कम तो मैं एक दिन तो चादर नहीं कर दिया पर बाल भी कोनी काट तब बाल भी काट दे दो दिन की चादर ना काट दे और पैंट भी दो दो की
यो पड़ा बिल आ देख आजा आजा मैं आती तो यो पड़ा इसके नीचे पड़ा गद्दा के नीचे यो बिजली का सामान है यो गद्दा था एक तरह मार पिट्टी मत करे मैं मार तुम्हें स्पेगेटी पे तेरे जोर से पकड़ लिया मतलब कि फिर दे रहे हैं मैं तेरे दिखा और भाई मेरा ब्याह आई पहली बार चुरमा बनाने लग रही है ना तो मेरी मम्मी बनाया करती कि मैं बनाया करता खा लूंगी पहली बार क्यों बनाऊंगी कद कद बनाया एक बार नो ही गिनवा दे बस कि मैंने फलाने फलाने दिन बनाया था हर बार ऐसे दोबारा बनाऊंगा हर बार मैं के मम्मी बनाया करती कि मैं बनाऊं समझ गई बैठी ना खवाया है आपने करे सारा काम शायद मम्मी ने ना करे वाटी में ना ना मेरी मम्मी ने अरमन ने आप तो सूत्रा बना के दे बाकी बाकी चन्नू तो बता दे तने लास्ट टाइम बड़ा चुरमा बनाया करता सिर्फ नु पूछो मैं याद ही करे बनाया हो तो याद हो ना घाट बना हो लेकिन याद ना रहता वो लग पूरा मिला नहीं चिल्लाओ मत एक आज खवा दिया तेरा चुरमा आज मन बढ़िया घी वाला खवाया कौन गुस्से ना कर जाए बस ये गम्मा में खा गन तो मन तेरा घी वाला जो खवा कर दिया मैं खवा दिया तेरा आज तो चुरमा अरे अब मेरी मम पी ना बिला ले तुम का डमत ना तो मेरा कुकर खा तेरा तेरी मां ने क्या गलत कर नहीं दे रहा क्या तेरी नहीं पी तो ना लिख दे खवा दी गया तुम चलो देखते हुए पहले ही साक्षी दाऊ मिला दे पूरे ने भाई जा रहा हूँ बारिश में भिजन जा रहा था गर्मी लग जाएगी अरे ना रेत तो बैठ लिया जिस तरह अपना पाइप में खराब पानी आने लग गया दोबारा और टाइम हो रहा है लंच 10:30 का और रोटी पानी तो मैंने खा ली थी मैंने एक रोटी खाई है क्योंकि मैंने चुरमा लिया था बिल्कुल थोड़ा सा मैं फिर खांसी हो जाएगी जुकाम होगा फिर पानी पिया था फिर थोड़ा ही खा था तो आज इसने मेरे इतने मारे क्योंकि आज पापा को जब इसने मारे और पापा तड़के पापा है तो फिर मैं इसने डांट सुनवाऊंगी तो आज का व्लॉग था हमारा यो है और अगर अच्छा लगे तो अपने मेरा चैनल ने कर दिया सब्सक्राइब और वीडियो ने कर दिया लाइक और शेयर और प्यारे प्यारे कमेंट करते रहा करो कल फिर मिलते हैं आपको एक और नए व्लॉग में तब तक के लिए गुड नाइट टाटा बाय बाय।